बैठे हुए हैं, मैं 4.5 साल यहाँ रहा, हमने बहुत बातें सुनी। तो ऐसा है कि एक जीवन की धारा बन जाती है, एक बार आप अगर मास्टर बन गए, पुस्तकें पढ़ने पढ़ाना काम हो गया, और अगर कुछ ऐसा भगवान की कृपा रही कि आपको शौक भी है पढ़ने पढ़ाने का और आपको काम मिला पढ़ने पढ़ाने का, तो वो अपने आप ही ये सब जो इन्होंने इतनी गिनाए वो सब तो होता रहता है, वो हो भी जाता है। पर मेरे लिए सबसे सबसे अच्छा समय वो 4 साल थे जो मैंने इस यूनिवर्सिटी में, 5 साल मैं इंग्लैंड भी जाता रहा, आयरलैंड भी जाता रहा, अमेरिका में कई बार गए हैं, यूनिवर्सिटियों में बुलाते रहते हैं। पर जो 4.5 साल यहाँ जो क्या कहना चाहिए, मतलब कि अगर आपने अपने देश को समझना है तो आपको इसी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य और भी मिल जाएंगे, पर इतना प्यार करने वाले लोग, इतनी श्रद्धा वाले लोग जिनके साथ रहकर मैंने काम किया, हमारे मिसेज जिनका डीसी मैम को मैं अभी अलग इनको थोड़ा मैं डांटूंगा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कही मेरे बारे में, तो इन्होंने जैसे कहा तो मेरी मिसेज कहती हैं कि कपिल जी हमने तो एक गृहस्थी बसा लिया खानपुर कलां में, उनको बार बार मन करता है यहाँ आके रहना। तो ये सबसे सुंदर था, सुंदर और सीखने का भी। देखो सीखने में सिर्फ ये नहीं होता कि किताब पढ़ ली तो कोई इंटेलेक्चुअल बौद्धिक चीज़ें सीख ली, कि श्रद्धा क्या होती है ना, श्रद्धा क्या होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़े बूढ़ों की, ज्ञान वृद्धों की, वयोवृद्धों की, धर्म वृद्धों की जो श्रद्धा, प्यार, लोगों की सेवा भावना, जितनी सेवा भावना मैंने यहाँ देखी अपने छोटे मित्रों के साथ जो हमारे डिपार्टमेंट्स में हिंदी में LRC में मेरे साथ रहे, वो कहीं नहीं मिलता, और तो अमूल्य है, मतलब उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते। सुबह निकलते थे दूध लेने तो राम राम जी छोटे बड़े सारे, दिल्ली में तो FIR हो जाता है राम राम जी बोलते हुए भाई ये कोई पता नहीं कहाँ का RSS का आदमी आ गया है। तो अनजान आदमी भी, मेरे को यहाँ के इतने अनुभव हैं, आई थिंक भगत फूल सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का एक ये ढंग है कि उनकी बनाई हुई संस्था में एक किस्म का ये एक सिद्ध क्षेत्र बन गया और यहाँ अच्छे अच्छे भाव पैदा होते हैं। मैं शाम को एक दिन जा रहा था तो एक यंग गाड़ी चलाने वाले थे यूनिवर्सिटी की बस के, तो उन्होंने मुझे देखा कि झुरमुट से अंधेरे में, बोले सर कहाँ जा रहे हैं आप, कभी बातचीत नहीं होती थी ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं ये केमिस्ट की दुकान है ना, मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या अभी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक है मैडम, को कोई दवाई चाहिए? अच्छा मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने कहा बेटा ये तो निकल के गेट पार करके सामने जाना, मुझे दूर थोड़ा है। कहते जी नहीं, अगर आपको वो दवाई यहाँ नहीं मिलेगी तो मैं आपको गुहाना से ला के दूँगा। बताइए ऐसा आपको कहाँ मिलेगा? दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ सोसाइटी में, एक ब्लॉक में 28 फ्लैट होते हैं, 2 लिफ्ट हैं, तो जब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं तो वो 14 फैमिलीज वाले मानते हैं आपके 14 फैमिलीज के लोग हैं, एक दूसरे को ग्रीट भी नहीं करते। और अगर उन्होंने लिफ्ट बंद कर दी थी, आप पहुंच गए, गेट दोबारा खोला तो आपको ऐसे देखते हैं कि मैं तो कहाँ पहुंच जाता, ये फिर आ गया बीच में। बहुत अल्टीमेटली लाइफ में बेटा, जिंदगी में अल्टीमेटली रिश्ते मैटर करते हैं, कुछ और मैटर नहीं करता। ना धन मैटर करता है, ना ओहदे, ना जिसको हम बहुत अपनी मानते हैं कि हमने बड़ा अर्जित किया है ना, पावर, स्टेटस, मनी, इनसे कुछ नहीं होता, रिश्ते मैटर, रिश्ते। अब अभी मैडम को मैं, क्योंकि ये भगत फूल सिंह जी की कृपा से ये सिद्ध स्थल है, सुबह सुबह मैडम रात भर उनको रहा तो मुझे 5 बजे बताया, तो मैंने अजीत सिंह को फोन किया 6 बजे, ये आए और एकदम उनको अपनी गाड़ी बैठा के हॉस्पिटल ले गए एमरजेंसी में, 1.5-2 घंटे लग गए इनके। तो इतना जो ये जो भाव है सेवा का, प्यार का, ये सीखना चाहिए।
और आपकी जनरेशन में ये है सीखने का. हमारी जो जनरेशन थी वो लॉस्ट जनरेशन है, खोई हुई, वो उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ गए. मकान बनाना है, धन इकट्ठा करना है, पौधा लेना है, कुछ सफलता हाथ. दुनिया सफल इंसानों से भरी हुई है, बहुत सफल लोग हैं दुनिया में, पर अच्छे इंसान कम है. तो अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय सफल इंसान बनने के, ये मैं मानता हूँ. अच्छा इंसान बनना बजाय सफल इंसान बनना. सफलता तो आ जाती है. एक इसलिए हमारे यहाँ तो माना जाता है ना कि जिंदगी का ध्येय जो है वो है सुख. और सुख कभी भी अपना सुख ढूंढने में सुख नहीं मिलता. अगर आप अपना सुख ढूंढने निकलेंगे तो नहीं मिलता. अपना को सुखी बनाने के लिए आपको दूसरों के सुख के लिए करना पड़ता है. दूसरों के सुख का कार्य करिए, दूसरे सुखी होंगे तो आपको सुख मिलेगा. तो ये जो हमारे देश का है, ये एक बार अरिस्टोटल ने कहा था कि गुडनेस ब्रिंग्स वेल्थ, गुडनेस ब्रिंग्स वेल्थ, बट वेल्थ डज नॉट ब्रिंग गुडनेस. वेल्थ से गुडनेस नहीं आती, गुडनेस से आती है. बीसी मैडम जी ने जिक्र किया, मैं 33-34 साल हो गए मुझे उस बात का, जब मैं रोहतक यूनिवर्सिटी गया था रिफ्रेशर कोर्स में, तो पानी नहीं पे शायद लेक्चर, और मैडम जी ने लेक्चर के बाद मुझे अपने घर में खाना खिलाया. ये बताती नहीं है ये, पर मुझे याद रहता है वहाँ खाना खाया था. तो आप देखिए, ये जो संबंध हैं, ये संबंध है, ये रिश्ते हैं, है ना. और ये जो रिश्ते बनते हैं हमारे, हम वो जो भत्री कहते हैं ना, कि हम लोग जैसे पहाड़ी नदी में बड़ी बड़ी लकड़ियों के जो शतीर होते हैं ना, जब पहाड़ी नदी में जाते हैं तो लहरों के साथ इकट्ठे होते हैं और फिर अलग हो जाते हैं. इसी तरह इस जीवन में हम लोग मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं. और ये जो संबंध बनते हैं उसमें, ये संबंध, ये लेने देने के संबंध इसी जीवन के नहीं होते, कई कई जन्मों के साथ ये संबंध बनते हैं. उसी के कारण इस जीवन में भी आप उन व्यक्तियों से मिलते हैं, आप लोगों से अच्छे संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं. तो ये अनुभव से आप, किताबों से नहीं, ये अनुभव से आप. और जिसको इसका लाभ मिलता है वो कृतज्ञ हो जाता है. जैसे मैं तो मेरे को तो ये लगा कि सारे जीवन में कि मैं जिसको भी मिला वो अच्छा आदमी निकला, ये बड़ी परेशानी की बात है. मेरे से मुझे हमेशा लगा कि जिसको भी मिले वो अच्छे आदमी निकले, अच्छे इंसान, और मेरे से अच्छे. मैं कई बार उनकी ये छोटे छोटे ये इनके काम देखता हूँ, मेरे लिए जब बुजुर्ग ये करते हैं, तो कई बार मैं सोचता हूँ कि इनकी जगह अगर मैं होता तो शायद नहीं करता, नहीं कर पाता. करने के लिए सेवा, जो कई लोग कहते हैं अरे बड़ा सेवा करनी पड़ती है, सेवा कर, सेवा भी अब आप भगवान की कृपा से मौका मिलता है सेवा करने का, अरे को नहीं मिलता. और सेवा करने के लिए शक्ति भगवान देता है. तो ज़रूरी नहीं कि मैं दूसरे को देख के मैं भी वो कर पाऊँ. सबसे मुश्किल काम है सेवा, सबसे मुश्किल, सबसे कठिन काम, उसको करना सीखना. तो ये जैसे मैंने कहा अनुभव से आता है. ये एक थोड़ी दुखद बात है कि हमारी जो शिक्षा है वो आजकल बच्चों को आपस में कंपटीशन करना और अपने को अच्छी नौकरी, ज़्यादा पैसा कमाना, उसके लिए तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करती है. शिक्षा बहुत कम इसका है ही नहीं कुछ उसमें, कि वो हमारी शिक्षा बच्चों को ये कहे कि आप अच्छे इंसान बनिए. अब नहीं है, अब यही होता है कि कंपीट करो, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. पैकेज की दुनिया होती, पैकेज 10 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज. और अच्छे अच्छे जो दिमाग के बच्चे हैं वो कॉमर्स पढ़ते हैं, और जो बेचारे कम नंबर वाले होते हैं वो फिलॉसफी पढ़ते हैं. तो देश का क्या होगा अगर अच्छे दिमाग दर्शन में ना जाके कॉमर्स में जाएंगे. तो आपको तो मैं ये आगे भी सुना चुका हूँ कि वो गोल्ड स्मिथ की चार लाइनें हैं, इल फेयर्स द लैंड टू हेसरिंग इन द प्रे.
वेयर वेल्थ अक्यूमुलेट्स एंड मैन डिके, जहाँ धन तो इकट्ठा हो जाता है पर इंसान गिर जाते हैं। तो आपने देखा होगा अपनी अखबारों में जीडीपी इतना हो गया और 1,00,000 करोड़ वो खा गया, जीडीपी इतना बढ़ गया और 65,000 करोड़ का काला धन पकड़ा गया। तो चरित्र और धन का उल्टा संबंध है। जैसे ही धन बढ़ता है इंडिविजुअली भी, जैसे हम अमीर होते हैं तो हमारे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे मूल्य भी कमज़ोर हो जाते हैं, जीवन मूल्य, क्योंकि हम फिर अपने अहम पे केंद्रित हो जाते हैं। अहम पे केंद्रित होना दुख का कारण है। हरियन जी बैठे हैं, हरियन जी तो बहुत ज़्यादा है इस विषयों में, बहुत आगे हैं इन चीज़ों में, मेरी बजाय इनको बोलना चाहिए था गीता पर, तो इन्होंने मौका हमें दिया छोटों, चलो हम आप बहुत आभारी हैं आपके। तो बेटा ये अभी पहली बात तो ये कि बड़ा आपको ये समझना चाहिए कि भगत फूल सिंह जी, हमारी तो छोटी छोटी चीज़ें गिना दी इतनी, पर आप सोचिए भगत फूल सिंह जी ने 1936 में लड़कियों के लिए गुरुकुल बनाया, कितना बड़ा काम था, कितना बड़ा, इस देश का पांचवा लड़कियों का स्कूल था वो, पांचवा, और उसमें अपना जीवन का भी बलिदान दिया, और उनकी उनका लगाया हुआ जो पौधा है उसमें आज हजारों लड़कियां पढ़ती हैं, और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ हो चुके हैं, किया है उन्होंने, तो ये सारा देश की भलाई ही हो रही है इन बच्चियों के थ्रू। हमारे देश में सबसे प्रगतिशील, सबसे जो एनर्जेटिक ऊर्जावान जो वर्ग है वो हमारी लड़कियां हैं, लड़कियां हमारी ऊर्जावान वर्ग है देश का। अभी आपने देखा होगा यूएनओ में नवाज शरीफ जी का जवाब एक 24 साल की आईएफएस की लड़की ने दिया, इनाम गंभीर ने, और इतना अच्छा बोली कि पाकिस्तान को कहना पड़ा कि मोदी जी ने जानबूझ के एक लड़की से जवाब दिलवाया हमें ताकि यूएनओ के लोग उसको सुनने आए। तो 24 साल की आईएफएस की लड़कियां बड़ी ऊर्जावान हैं, लड़कियों पे चैलेंज बहुत रहता है, आप पे बोझ लड़कों की बजाय दुगना तिगुना होता है जीवन में, पर आप उस बोझ उठाने के काबिल हैं, होती है और बन जाती है। तो इसके साथ ही अब मैं थोड़ा विषय पे भी, इन्होंने एक इतना बहुत ही कठिन ये विषय दिया भगवद्गीता, ये किताब ग्रंथ नाम सब सुने हुए हैं पर तो बहुत कम लोग उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं ये धार्मिक ग्रंथ है, काफ़ी लोग कहते हैं ये धार्मिक ग्रंथ है, और राधा कृष्णन जी जैसे विद्वान भी उसको स्क्रिप्चर कहते हैं, पर भगवद्गीता को धार्मिक ग्रंथ कहने की बजाय ज्ञान ग्रंथ कहना ज़्यादा ठीक है, ज्ञान ग्रंथ, और एक अद्भुत काव्य शैली में है, काव्य है, पोइट्री बड़ी ग्रेट, हाइट ऑफ पोइट्री, जहाँ वो विभूतियाँ गिनाते हैं कि बहने वालों में मैं गंगा, स्थिर रहने वालों में हिमालय, हैं, वो पूरा का पूरा जो वो है अध्याय है वो कविता का अनूठा उदाहरण है। तो ज्ञान ग्रंथ है, तो ये कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किस लिए बना, ये पहला मूल प्रश्न, पहला प्रश्न ये है कि ये क्यों कैसे कब बना। डेजी जी ने बता दिया कि हमारा ये सौभाग्य है कि ये हमारे इसी देश में, इसी इलाके का इस ग्रंथ की जो ज्योग्राफी, जो भूगोल है वो यही भूगोल है जो आपके आसपास है। कुरुक्षेत्र, 9 सेक्रेड जो 9 क्षेत्र हैं, पुण्य क्षेत्र हैं देश में, उनमें से एक क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और इसका विस्तार शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर सिरसा शहर तक है। सिरसा में उस जमाने में सरस्वती नदी बेंड लेती थी और सरस्वती बॉर्डर बनाती थी इस क्षेत्र का, शिवालिक से वहाँ तक 200 किलोमीटर के करीब उसका स्ट्रेच है, और काफ़ी लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह जी सिरसा में गिरे थे, और सिरसा शब्द सिर सरसैया से ही बना है, सरसैया एरोज का जो बेड था
उसी की फोनोलॉजिकल म्यूटेशन है सिरसा। तो अब है ना कि आप जहाँ जाओ वहाँ वाइब्रेशंस होती हैं, पर वाइब्रेशंस तो उनको होगी ना जिनको पता होगा कि यहाँ क्या हुआ। अगर पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हुआ तो वाइब्रेशंस कैसे। इसलिए जो इग्नोरेंस है, अविद्या है, वो एक तरह से थोड़ा अभिशाप होता है, क्योंकि जितना आप जानते हैं उतना ही आपकी जो ये पूरा सिस्टम है ना, ये ट्यून हो जाता है, फाइन ट्यून, और आप उनको उन वाइब्रेशंस उन स्रोतों को अगर पकड़ते हैं और पकड़ के आप खुद वो आपके अंदर एक ऊर्जा और आपके अंदर एक ध्येय आता है। ये महाभारत की धरती है और महाभारत एक प्रकार का एक काल था जो भारत की वेदों से चली हुई जो ज्ञान की धारा थी उस धारा को रोकने वाला काल जो था वो महाभारत का काल। थोड़े समय के लिए, और भारत का इतिहास इतना लंबा चौड़ा है, थोड़े समय का मतलब है कोई 2-3 हजार साल, 2-2.5 हजार साल, 2-2.5 हजार साल के लिए भारत की जो वैदिक ज्ञान परंपरा, सनातन ज्ञान परंपरा थी, वो परंपरा थोड़ी देर के लिए रुक गई, महाभारत का। क्यों रुकी? आप सोचिए, देखिए महाभारत का जो काव्य है जो आपको लाइब्रेरी में मिलता है, महाभारत के काव्य में और महाभारत की घटना में आपको भेद करना चाहिए। महाभारत की घटनाएं घटी, आप समझिए 5156 वर्ष पहले, 5156 वर्ष पहले रफली ये घटनाएं घटी, जबकि ये महाभारत का जो महाकाव्य है ये आज के रूप में, कोई 3700 साल पहले लिखा गया। सो 1900 साल के गैप के बाद महाभारत की घटना घटी और उसके 1900 साल बाद उस घटना का एक कथा नैरेटिव लिखा गया जिसे महाभारत किया। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत पढ़ते हैं जो कि एक कथा है, एक घटना की जो पुरातन घटना है, पुरानी घटना, और इसका जो इसमें 39,36,000 लोग लड़े, सिर्फ 8 जिंदा रहे, 5 पांडव और कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कौरवों की तरफ से। हम भगवान कृष्ण को जो कि नहीं गिन गए, क्योंकि वो ये जो 39,36,000 के ये है जिन्होंने युद्ध किया और 18 दिन में मारे गए, जिस गहनता से ये नरसंहार हुआ, इतना नरसंहार वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं हुआ। 1 दिन में 2,10,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अब आप सोचिए कि हजारों साल से वैदिक वेदों की धर्म की ध्वनि के धर्म सबसे ऊपर है और क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, ये सब वैल्यूज और आइडियल समाज के सामने रखते रखते हुआ क्या अंत में? अंत में हुआ महाभारत का युद्ध, जिसमें ना धर्म रहा ना क्षमा रही। वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर द्रौपदी का संवाद है, और बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ा कभी पढ़ के देखिएगा। द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है, रात का टाइम है, एग्जाइल में है, जंगल में बैठे हैं, द्रौपदी ने बड़ी हांडी में चावल पकाए, सब ने खाए, खाने के बाद वो बैठे हुए पेड़ों के नीचे, तो कहती है कि देखो तुम तो धर्मराज हो, धर्म का रास्ता अपनाया, और ये तुम्हारे भाई भी धर्मराज है, इनमें एक एक में इतनी शक्ति है कि ये चाहते तो कौरवों की सभा को पार देते, पर बड़ा भाई उठ के निकला, ये भी सिर नीचा करके भाई के पीछे निकल आए, ये भी धर्मराज है, पर आपको धर्म से मिला क्या? यहाँ बैठे हो जंगल में, अभी यही जमीन पर सो जाओ के पत्थरों पर और चावल खा लिए, दुर्योधन को देखिए,
दुर्योधन ये कहता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है मैं सब जानता हूँ, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं, मैंने ये लाभ इनसे ले लिया है, मैं दूंगा नहीं चाहे जान चली जाए। और अपने पिता को कहता है कि आप अपनी छोटी नाव हो जो बड़े जहाज से बंधी हुई है, वो बड़ा जहाज विदुर का, आप अपने आप को जहाज से काट लीजिए, नहीं तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं उसको देखिए, वो चांदी के बर्तनों में भोजन करता है और सेज पे सोता है, और आपको क्या मिला? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले किसे कहते हैं सुंदर आंखों वाली, क्योंकि बीवी से डिसएग्री करना है तो पहले तारीफ करनी पड़ती है। उसको कहा कि सुंदर आंखों वाली तुम नास्तिकों की भाषा बोल रहे हो, नास्तिकों की भाषा बोल रहे हो। अब बड़ा सुंदर है युधिष्ठिर का बात, मैंने जीवन में धर्म का रास्ता ये सोच कर कभी नहीं अपनाया कि मुझे मिलेगा। जो लोग धर्म का रास्ता कुछ पाने के लिए अपनाते हैं वो धर्म के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। मैंने कभी इसमें पाया कि कहती है जब नदी के किनारे का पेड़ नदी में गिरता है या माला टूटती है और मन के बिखरते हैं, ये सब भगवान की इच्छा से होता है। आप जो भुगत रहे हो ये भगवान की इच्छा से है, इसका अर्थ ये है कि भगवान को भी धर्म में रुचि नहीं, भगवान को धर्म में रुचि नहीं। फिर वो बहुत उस बहुत ही वो एक बौद्धिक चर्चा है कि हमारे कर्म फल जो हैं, हम जो कर्म करते हैं उनके जो फल मिलते हैं, जिसके लिए हम कुछ जिम्मेवार खुद जिम्मेवार होते हैं, उन सबके लिए हम भगवान को जिम्मेवार ठहराते हैं। भगवान लोगों के कर्मों का या उनके फलों का हिसाब नहीं रखता। भगवान की इच्छा इसमें नहीं होती, कुछ नियति, कुछ उस वक्त के लोगों का साथ, कुछ आपकी बुद्धि, तब ये काम होता है। कहते हैं मैं चाहता तो मैं जुआ नहीं है, मैंने कहा कि हमारी परंपरा है ठीक है, फिर भी मैं नहीं खेलता तो कुछ नहीं होता, तो मैं भगवान को क्यों? तो बहुत लंबी चर्चा करती है। बीच में फिर कहते हैं देखिए द्रौपदी, दुर्योधन जानता है कि वो गलत, इसलिए वो क्षमा नहीं कर सकता। हम हार गए, हमें क्षमा कर सकता था, वो क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है गलत है। मैं जानता हूँ मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं क्षमा कर सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया क्षमा सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म। और गीता के उनमें अध्याय में जिसमें दैवी संपदा के ले जाती है, इसमें क्षमा बहुत प्रोमिनेंटली, क्षमा धैर्य वगैरह जोड़ने से। तो इस महाभारत के काल में, इस महाभारत काल में ये इतना जो नरसंहार हुआ, लोगों का वेदों में, लोगों की आस्था वेदों में उठ गई और वैदिक धर्म से आस्था उठ गई, कुछ नहीं। और तार्किक बुद्धि, तार्किक तर्क वाली बुद्धि जो होती है कि हमें इससे तो यही मिला ना। आपको पता है यूरोप में भी वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू हुई, जब इतना नरसंहार हुआ तो यूरोप की भी जो बिलीफ सिस्टम था, उनके जो विश्वास थे वो सारे बदल गए, ठीक है। और लिटरेचर वाले जानते हैं, दूसरे लोग जानते हैं कि उसके बाद कैसे उनमें बदलाव आया, न्यू मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह वगैरह करते हैं जो करते हैं। तो वो जो चेंज आया वो क्या चेंज था, ये बेटा समझने वाली बात है कि जो भौतिक चिंतक थे, भौतिकवादी चिंतक, वो महाभारत के युद्ध के बाद भौतिकवादी चिंतक जो थे वो आए, जैसे पूर्ण कश्यप कहते थे। पूर्ण कश्यप जो थे वो नहाते नहीं थे, सन्यासी थे, उनका बहुत सम्मान था पर वो नहाते नहीं थे। नहाते क्यों नहीं थे? उन्होंने बड़ा चिंतन किया कि ये संसार में दुख का कारण क्या है,
तो उन्होंने दुख जो होता है व्यक्तिगत होता है, और दुख शुरू कहाँ से होता है, जब हम अपने शरीर को देखने लग जाते हैं, शरीर को सजाने लग जाते हैं। हम लोग सब सुबह जब नहा के अपने ऊपर कितना ध्यान देते हैं, शीशे के सामने ऐसे ऐसे देख के करते हैं ना, और कपड़े कैसे मैच करते हैं, रंग मैच करते हैं कि ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो सारा वहीं से शुरू होता है। और कहाँ से शुरू होता है, नहाने से। अगर नहाना नहीं है तो उन्होंने कहा मैं नहाऊंगा, पानी नहीं छूऊंगा, तो पूर्व कश्य पानी नहीं छूते थे, उनकी लटें जो थी इतनी लंबी लंबी, और वो जब चलते थे और कहीं पर छोटी सी पानी का भी होता था तो वो बच के चलते थे कि पानी में पैर ना पड़ जाए। पर ये देश भी अद्भुत है, महान थिंकर चिंतक माना गया था। पूरन कश्यप कहते थे कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता। देखिए महाभारत काल से पहले तो पाप और पुण्य हमारे मान्यताओं में कितना एक मूल सिद्धांत है, पाप और पुण्य का इसकी परिभाषा नहीं दे पाते लोग, पाप क्या है पुण्य क्या है, बड़ा कठिन है। परंतु हम ये मानते हैं कि जो चीज़ आपको छुपानी पड़े, आपने जो कुछ ऐसा कभी किया या सोचा जो आपको छुपाना पड़े वो पाप है, जो छुपाना पड़े वो पाप है। पाप और पुण्य बहुत आधारभूत मानता है। तो पूर्व कश्यप कहता है कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता। और मश्करी घोषाल दूसरा भौतिक चिंतक, वो उसने बड़े कई काम कोशिश की पैसे कमाने के, धन कमाने के, अपनी रोजी रोटी जिसको कहते हैं जीवन न यापन करने के लिए। उन्होंने मुर्गियां पाली, वो एक लोमड़ी आई उसकी मुर्गियां लेके खा गई, फिर उसने एक खेती छोटी सी शुरू की, मोर आए तो कोंपले खा गए, कुछ और एक बछी लाया कि भाई इसको हम बछिया लाया कि इसके बड़े होंगे दूध का काम करेंगे, एक ऊँट आया उसकी रस्सी, दो बच्चियों को रस्सी से बांधते थे ना ऐसे करके उठा कर उनको ले गया। तो उसने एक निष्कर्ष निकाला कि जीवन में कर्म नहीं करना चाहिए, काम करने का कोई लाभ नहीं। काम का क्या है, कह गए वो कि नाग करे ना चाकरी, वो कह रहे दोस्तों है सबके दाता राम, कह गए राम ब्लूकदास कह गए कि सबके दाता राम अपने आप मिलेगा, कोई काम करने की। अब ये मस्करी घोषा पर थिंकर वो कहते थे कि आदमी का कर्म या आदमी के सिद्धांत वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके जीवन के सुख दुख के, ये नियति है, नियति ये नियतित है पहले ही किसके साथ क्या होना है, नियतित है, इसी को भाग्य कहते हैं। इसलिए व्यक्ति को कोई उसके बारे में व्यक्ति का कोई नहीं है कि भाई उसने कुछ किया ये किया। और ये जो थे चारुबाग तो आप जानते ही हैं, चारुबाग का नाम सुना होगा, चारुबाग ऐसी सी बातें कहते थे लोग मानते थे। दूसरा लोकायत पॉपुलर थे लोगों में, जो कहते थे कि उधार लेके घी पियो, चिंता जिसने उधार दिया वो करेगा, उधार देके घी पियो। उस जमाने में स्कॉच नहीं होती थी, घी होता था, नहीं तो आजकल आके उधार देके स्कॉच पियो, यदि उधार देके तो उधार देके घी पियो। क्यों, क्योंकि ये शरीर ही सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा, आत्मा कुछ नहीं होती, कोई आत्मा नहीं है, ये शरीर ही है, जब ये जल जाएगा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई पुनर्जन्म तो आत्मा के साथ लिंक है ना, आत्मा का भी जीवन चक्र चलता है, जन्म मरण का कुछ नहीं होता। क्योंकि ऋग्वेद की वो कोट करते हैं, ऋग्वेद में एक लाइन है कि आत्मा देहमयी, आत्मा देहमयी, कि आत्मा क्या है, देह को देहमयी, देह से परमिटेड है, देह ही आत्मा है। तो वो कहते देखा हम तो कहते थे देह ही आत्मा है, पर आत्मा देहमयी ऐसी श्रुति है कि जो आस्तिक लोग हैं वो भी कोट करते हैं कि हमने आपसे कहा कि देह कुछ नहीं पर आत्मा है, तो वो कहते हैं हमने आपसे कहा आत्मा कुछ नहीं पर देह है, तो शरीर ही सब कुछ है। एक और चिंतक है जिन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये जो समाज के नियम है ना, कि भाई ये पिता है, ये बेटी है, ये भाई है, ये बहन है, ये भी गलत है, कुछ नहीं, क्योंकि वो जो बायोलॉजिकल इम्पल्सिस हैं उसी से ये सृष्टि बनती है, संसार बनता है।
और वही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कहाँ आप आजकल अपनी मान्यताओं को देखिए और कहाँ वही वैदिक धर्म से चली आ रही और कहाँ इस तरह के विचारों वाले लोग, इनका साम्राज्य हो गया। पाणिनि ने जब 7वीं शताब्दी ईसा से पहले व्याकरण लिखा, उसने 28 प्रकार के बिलीफ सिस्टम धर्मों का वर्णन किया, उसमें 27 जो थे वो नास्तिक थे, 27 नास्तिक धर्म। अब जब इतनी नास्तिकता फैल गई और समाज में अराजकता आ गई, क्योंकि कोई रिश्ता नहीं थी, कोई रिश्ता इनोसेंट नहीं है, कोई रिश्ता ठीक नहीं है, और पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, जो स्वच्छंद रहो, जो मर्जी करो, जो जो इच्छा है करो, तो समाज तो चलेगा नहीं इस तरह। तो उसका जो उसके जो उत्तर में जो विचारधारा शुरू हुई उसे बाद में भागवत धर्म कहा गया, उसका भी उसका एक थोड़े से बीज महाभारत कंपोज जब किया गया, क्योंकि जब महाभारत कंपोज किया गया तो भागवत धर्म बन चुका था, महाभारत काल पीछे रह गया। तो उस वक्त महाभारत जब कंपोज किया, भगवत गीता और भी बाद में कंपोज की, भगवत गीता जो कि महाभारत में रखी गई बीच में, भगवत गीता का समय मैंने जब ये पहली बार कहा तो बनारस में कहा, और वहाँ के पंडित मेरे पीछे पड़े कि ये गलत कह रहे, हमने कहा कि भगवत गीता महात्मा बुद्ध के बाद कंपोज हुई। अब देखिए ये बड़ी वैसे तो ना मानने वाली बात ही लगती है, क्योंकि निर्वाण शब्द का प्रयोग भगवत गीता में आता है, वो कहते ब्रह्म निर्वाण, मतलब निर्वाण कैसे होगा, ब्रह्म में लीन होगा, जिसे हम मोक्ष की परिभाषा कहते हैं, ये तो ब्रह्म निर्वाण। और दूसरा ये जो ज्ञान कर्म और भक्ति, पूरी भगवत गीता जो है वो उसका जो मूल प्रश्न तो है कि जीवन में दुख क्यों, ये हमारे भगवत गीता नहीं, हमारे सारे दर्शन, उनका ध्येय जो है वो ये है कि दुख कैसे, मुक्ति कैसे मिले, दुख निवृत्ति। और दुख की परिभाषा बड़ी सिंपल है, मोक्ष, दुख से मोक्ष कैसे मिले, मोक्ष का क्या मतलब है। अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं अंग्रेजी में मोक्ष पे तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मोक्ष बड़ा कोई स्पिरिचुअल सर्वेशन, पता नहीं कौन सी स्ट्रेटोस्फीयर में जाके हमको भी कहाँ ऊपर। सांख्य में बहुत सिंपल उसकी परिभाषा है दुख की, दुख तीन प्रकार के दुख होते हैं। पहला आदि दैविक एक्सीडेंटल, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने किला बनाया तुगलकाबाद, पहले दिन ही हाथी पे घुसा, मेन गेट के जो ऊपर वो जो पत्थर की बल्ली थी वो उसके सर पे गिरी और वो मर गया। कहीं भी सिर्फ टांग टूटती है, टांग टूट गई, इसका क्या जिम्मेवार, पर वो शरीर का ही जो दैविक या शरीर और आत्मा का दुख, दोनों दैविक रूप से भी हो सकते हैं, किसी की मृत्यु हो गई आपके चहेते की तो आपकी आत्मा को उसका दुख होता है। तो तीन प्रकार के दुख, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक स्पिरिट के दुख। तो इनका इलाज क्या है, सांख्य में क्या बड़ा, ये तीन प्रकार के हैं, और मोक्ष की परिभाषा क्या है, इन तीन प्रकार के दुखों से बचना, इन तीन प्रकार के दुखों से बचना, ठीक है ना। तो इसको पूरे चिंतन को लेके महाभारत में जब भगवत गीता का उन्होंने प्रवचन किया तो बेसिक उनके मन में वही जो परंपरा के प्रश्न थे वही थे। और मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार बच्चों को वो महाभारत की समरी दिखा दी जाए रविभूषण जी, और उसके बाद आपको मैं थोड़ा इसकी डेट्स भी बताऊंगा कि ये इवेंट्स आपके नेबरहुड में क्या। अब देखो आपको पता है ना कि यहाँ एक गांव है सरगथल, सरगथल क्या मतलब है, सरगथल का स्वर्ग स्थल, इसका मतलब है कि काफ़ी सोल्जर जो उस वक्त इधर लड़ाई में मरे थे उनकी अंत्येष्टि यहाँ हुई थी। अब इतना पुरानी बातें हैं कि हम लोग भूल गए हैं, पर ये जो देश है, ये जो जगह है,
इसमें जगह 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 मैंने आपको बताया सिरसा, आप अगर कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो ज्योति सर है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने उनको फिर समझाया कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो उसका मैं थोड़ा आपको ये महाभारत की पहली स्लाइड दिखाइए जरा प्लीज। ये तो दो आर्मी कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी हैं आमने सामने। अगली स्लाइड दिखाइए। जब वो आपस जब वो खड़े होते हैं तो अर्जुन कहता है कि मुझे ज़रा बीच में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्योधन का साथ देने वाले कौन कौन से मति भ्रष्ट लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, उस आर्मी का मैं देखना चाहता हूँ। तो वो बीच में लाए आर्मीज के बीच में। अब उसने देखा कि नाना दादा मामा चाचा सब लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं सारे। तो इन सबको देख के विषाद, भगवद्गीता का पहला चैप्टर है विषाद योग, तो उसमें आप जब पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको दो बातें लगेंगी। एक तो अर्जुन को दौर्बल्य हुआ, कमजोरी हुई, वीकनेस, और वो वीकनेस पार्टली इमोशनल थी इमोशन से कि भाई मेरे सगे मामे चाचे, उसका कवर उसने इतना दार्शनिक दिया कि देखिए जिनके लिए, जिन अपने लोगों के लिए हम युद्ध करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, उनको हमने मार डाला, पहले ही मार डाला तो क्या होगा, तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये उसकी दास्तान है, मैं नहीं युद्ध करूँगा। अब ज़रा इमेजिन करिए कि लोग तैयार खड़े हैं और जो आपका चीफ वॉरियर है, मैंने कल एग्जाम्पल दी कि आपकी मुक्केबाजी की टीम है और सडनली विजेंद्र सिंह कहे कि मैं नहीं लड़ता, तो आप कहेंगे अरे अब हमारा क्या होगा। तो वही अर्जुन कहते हैं मैं नहीं लड़ता, तो फिर उन्होंने उसको समझाया। वो जो समझाया वो 700 श्लोकों में भगवद्गीता है, उसमें 17 बार अर्जुन प्रश्न करता है। सबसे बड़ी बात कि भगवद्गीता एक संवाद है। अगली स्लाइड में शायद वो दिखाते हैं, ये वो जगह है आज, ये देखिए ये वृक्ष भी वो नहीं है जो उस समय था। वो क्या होता है कि वृक्ष की कोई जड़ गिर जाती है, वृक्ष खत्म हो जाता है, फिर वृक्ष बनता है। बहुत साल पहले मैं और श्रीमती मोटरसाइकिल पे ब्रज घूम रहे थे, तो हम गोकुल गांव गए। तो गोकुल गांव में कभी आप गए, जमुना ऐसे घूमती है, तो शाम को पहुँचे थके हुए थे, तो हम वहाँ उतरे और चाय की दुकान थी, लड़का चाय बना रहा था। तो मैंने उस लड़के से कहा बेटा यहाँ तो कुछ ऐसी जगह बताओ, क्योंकि हम थके हुए हैं, वो जगह देखेंगे जो भगवान कृष्ण के समय की है। बोले बाबूजी उनके समय की तो तीन चीज़ें हैं, ये धरती, ये नदी और ये आकाश, बाकी तो बना और उजड़ा। तो ये सब तो बना उजड़ा, पर एक होती है पूरी कौम की यादाश्त, स्मृति, एक देश के लोगों की स्मृति। स्मृति में जो चीज़ याद रहती है, हमारे देश में पूरा इतिहास स्मृति में रहता है। तो वो स्थान है जहाँ पे युद्ध के बीच में कृष्ण जी ने अर्जुन को मनाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती नहीं की। पश्चिम में कहते हैं कि समाज का बड़ा प्रभाव रहता है, और समाज जो है वो व्यक्ति के ऊपर एक तरह बोझ की तरह बनता है, समाज के विचार व्यक्ति पे लादे जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, पूरी भगवद्गीता जब आप पढ़ते हैं, उनके पूरे संवाद पढ़ते हैं, 18वें चैप्टर में 63वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं उसे अर्जुन को, मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम जो करना चाहते हो करो, जो तुम सीख समझते हो करो। और फिर वो निर्णय लेता है कि मैं युद्ध करूँगा। तो अगली स्लाइड में बीच में अर्जुन देखिए, हरियाणा भी पंजाब का ही अंग था, हरियाणवी भाषा पंजाबी से अलग है, पर हरियाणा और पंजाब की बुद्धि एक जैसी है, हैं? मैं भी पंजाबी हूँ। तो मुझे खुद बड़ी हैरानी हुई जब मुझे मेरे टीचर ने पहली बार बताया कि पाणिनि पंजाबी था, मेरा इतनी अद्भुत प्रज्ञा वाला पंजाबी पाणिनि। तो वो देश जो है ये, उसमें इतनी सूक्ष्मता, मैंने मोटी बातें करी। तो अर्जुन भी कृष्ण जी से कहता है
कि महाराज आप कभी तो कहते हो कि ज्ञान का रास्ता उत्तम है, फिर कहते हो कर्म का रास्ता उत्तम है, तो आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, मोटी बात बताओ। तो वो जो जवाब देते हैं उससे और कंफ्यूज हो जाते हैं आदमी। वो कहते हैं असल में ज्ञान और कर्म में भेद नहीं है। अब ये तो और भी सूक्ष्म बात है, कैसे समझ आएगी। अब कृष्ण जी अहमदाबाद में, मैंने कहा एक तो कृष्ण जी किंतु परंतु देश के थे, किंतु परंतु देश जानते, उत्तर प्रदेश, वहाँ के लोग किंतु परंतु बहुत करते हैं। ये ठीक है, किंतु हो भी जाएगा परंतु है? तो कृष्ण जी किंतु परंतु देश के थे, ऊपर से गुजरात से ले गए डोमिसाइल होके, और गुजराती बड़ा मीसना होता है, मीसना समझते हो, मतलब पता नहीं लगने देगा जब उसका भाव बदलेगा अंदर है? पता नहीं लगने देगा आपको, 6 महीने बाद समझ आएगी कि ये तो नाराज हो गया, पहले समझ नहीं आएगी। तो कृष्ण जी तो वहाँ के थे, तो उनकी जो डिस्कोर्स है बड़ा सकल है कि देखो भैया वैसे तो देखो ज्ञान कर्म एक जैसे ही। तो वो कहते महाराज बात सुनो, हमको तो मोटी मोटी, हमें तो अपना कुछ दिखाओ। तो फिर वो विराट रूप दिखाते हैं, विराट ये समझा रहे हैं कृष्ण जी उसको, तो वो कहते हैं समझ नहीं आई, विराट रूप दिखाए। तो देखिए जो दृष्टि, आपको पता है हम लोग क्या कहते हैं, कोई बात आपको सुनाए तो आप कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो कहता है नहीं नहीं मैंने खुद सुना है, सुना है, पर सुना की जगह कोई कहे कि मैंने आंखों देखा है तो आप किसको ज़्यादा मानोगे, आंखों देखा। तो अर्जुन ने कहा कोई दिखाओ, सुन लिया मैंने पर दिखाओ, तो वो ये विराट। और विराट रूप का मतलब है जिसको वो कहते हैं ना पूरा, जो ब्रह्म जो है, ब्रह्म ब्रह्म में और भगवान में, देखिए हिंदी भाषा में बोलना बड़ा कठिन है। आज सुबह मैं कह रहा था, किसको कह रहा था, अशोक जी को या किसको, कि हिंदी भाषा में बोलना बड़ा कठिन है। एक तो हमें खुद हिंदी भाषा पे उतना कमांड नहीं है जितना अंग्रेजी में, और बीच बीच में अंग्रेजी का तड़का लगाते हैं शब्दों का। दूसरा हिंदी में एक खतरा है, जो हम बोलते हैं वो लोगों को समझ आ जाता है, वो समझ आ जाता है तो कहते हैं ये तो रे ऐसी छोटी छोटी मामूली बातें बोल रहे हैं। वही बातें हम अंग्रेजी में बोले तो लोग बड़े इंप्रेस होते हैं कि बड़ा अच्छा लेक्चर था, कहा क्या पता नहीं क्या कहा पर बड़ा अच्छा लेक्चर था। वो तो वो जो है, इसलिए हिंदी में थोड़ा रिस्की होता है। बहन जी ने इस बार बी सी मैम ने फैसला किया है कि हिंदी में बोलेंगे। अच्छा मैं तो तब भी हिंदी बोलता था यहाँ जब लोग अंग्रेजी बोलते थे, आपको ध्यान होगा, कभी हिंदी बोलता। तो ब्रह्म, देखिए मैंने एक हिंदी में किताब लिखी 2011 में बिरला फाउंडेशन के लिए, मैं उनका नॉमिनेटेड फेलो बना एक साल के लिए, तो उसमें हिंदी अपनी देसी भाषा में लिखना होता है, तो मैंने हिंदी में लिखी भारत की कथा परंपरा में रति भक्ति, रति भक्ति। बड़ा कष्ट हुआ लिखने में, क्यों, अब जैसे भगवान है, अब हमारे यहाँ कितने शब्द हैं, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, ब्रह्म, और डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस हो, और ये सिनोनिम नहीं है, समानार्थक नहीं है। जहाँ ईश्वर का प्रयोग होगा वहाँ प्रभु का नहीं हो सकता, जहाँ प्रभु का होता है वहाँ भगवान का नहीं हो सकता, परमेश्वर का नहीं हो सकता। तो सोचना पड़ता है, अंग्रेजी बड़ी सिंपल है, जी कैपिटल के साथ गॉड लिख दो और सब मामला निपट गया। किसी प्रकार का भी भगवान हो वो कैपिटल जी ओ डी में आता है। तो हमने बड़ा सोचा, हमने कहा यार अंग्रेजी में लिखना है, और बड़ा आनंद की बातें जब आप समझने की कोशिश करो, तो ब्रह्म जो भगवद्गीता, देखिए मैं आपको एक बात मोटी तरह से बताऊँ क्योंकि मुझे भी मोटी मोटी समझ ही है कि दो चीज़ें होती हैं ज्ञान में, ज्ञान के दो अंग, एक तो तत्व ज्ञान और दूसरा ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान साधन, तत्व का ज्ञान और उसका साधन। तत्व का मतलब क्या क्या है जिसके बारे में हमें जानना है, क्या क्या है तत्व में मानना, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी बोल दोगे तो लोग बड़े इंग्लिश हो जाएंगे ऑन्टोलॉजी, और अगर कह दोगे रेनेसां फिटनेस ऑन्टोलॉजी टू शिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन, किसी को समझ नहीं आया, बहुत बड़ा बात कुछ नहीं है। अंग्रेज लोगों ने रेनेसां के बाद
भगवान की चिंता छोड़ के इंसान की चिंता शुरू की। इसको उन्होंने रनेसां कहा। हमारे देश में शुरू से ही जितने दर्शन हैं, जितने ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ भी हैं, वो मनुष्य और जीव और जीवन के लिए, जीव के लिए उनकी चिंता है। क्योंकि हमारे कई दर्शनों में भगवान तो है ही नहीं। सांख्य निरीश्वरवादी है, सांख्य दर्शन है, वास्तविक दर्शन पर निरीश्वरवादी। और योग का जो ईश्वर है वो स्मृति ही है, उसकी याददाश्त ही नहीं है। अब जिस भगवान को कुछ याद ही नहीं रहता, आप उसको प्रेयर करते रहो भैया मुझे मेरी लाटरी खुलवा दो, उसको तो याद ही नहीं रहना कि इसने क्या मांगा। तो वो पंडित जी ने कहा कि स्मृति ही ईश्वर है, ईश्वरा नास्ति, उनका स्मृति नहीं ईश्वर, मीमांसा में ईश्वर नहीं है। और पूरे बौद्ध और जैन संप्रदाय में भगवान नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म जो है, देखिए भगवान जिसको प्रभु परमेश्वर ईश्वर कहते हैं, वो मूर्ति का रूप ले सकते हैं, मूर्त रूप ले सकते हैं। उसके आपको रूप मिलेंगे, कई रूप मिलेंगे, हनुमान जी, राम, कृष्ण, शिव मूर्त रूप लेंगे। पर ब्रह्म निराकार निर्गुण, जिसका कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म जो है वो वेदांत की वेदांत में जाके हमको समझेगा। थोड़ा पेशेंटली सुनिए। शुरू में हमने कहा कि 26 तत्व हैं एलिमेंट। सांख्य में हमने कहा कि 26 एलिमेंट, 26, पर सांख्य ने उनको दो में बांट दिया, प्रकृति नेचर, पुरुष एनर्जी, एनर्जी और उसमें। अब एनर्जी जो होती है वो तो मैटर में ही रहती है, मॉडर्न साइंस कहती है। सांख्य ने कहा मैटर 25 और पुरुष 26, पुरुष एनर्जी, पर एनर्जी तो उसी में रहती है। तो वेदांत जब आया तो वेदांत वालों ने कहा कि एनर्जी मैटर में रहती है, जो एनर्जी मैटर में रहती है, एनर्जाइज्ड मैटर है, उसी को ब्रह्म का। ब्रह्म का मतलब ये है हर एक वस्तु में, हर एक जीव में, हर एक में जो जीव, जो जीवन का प्रिंसिपल है, जो जीवन का प्रिंसिपल है जीव, वो ब्रह्म का ही अंश है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म सब में है पर किसी एक में नहीं है, ये क्योंकि इसमें है, मेरे में है ना, पर सब में है, इमानेंट है। इसलिए जबकि बाइबल में, बाइबल में गॉड क्रिएट्स द वर्ल्ड एंड स्टेज आउटसाइड, बाहर रहता है। भगवान क्रिश्चियन या हेब्राइक सिस्टम में सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान बाहर है, उसको देखता है, वो उसको पनिश करता है, ग्रेड करता है, ग्रांट करता है, मर्सी करता है, सब करता है। परंतु हमारा जो ये जो ब्रह्म की कॉन्सेप्ट है, ये इमानेंट है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, उसी के अंदर है। तो ब्रह्म जो है हर एक में है। तो हर एक की धारणा को मूर्त रूप देने के लिए, मूर्त रूप, अमूर्त मूर्त, क्योंकि ब्रह्म तो निराकार निर्गुण, पर उसको मूर्त रूप देने के लिए कि सब में है, ये उन्होंने विराट रूप दिखाया। भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाया तो उनको कुछ थोड़ी बात समझ आई। तो वो लड़ने को जब तैयार हुए, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा इनको, तो फिर घोषणा की, जिन्होंने भगवद्गीता पढ़ी है, पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया, पंचजन्य का घोष किया, शंखनाद किया कृष्ण ने, और पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजया, उसका जो था धनंजय शंख था उसको बजाया। जब उन्होंने बजाया तो महाभारत, देखिए क्योंकि महाभारत के अंदर रखी गई भगवद्गीता, लिखी बात में गई, क्यों रखी गई? जैसे आजकल आप किसी बात को फैलाना चाहते हैं तो मीडिया में डालते हैं, मीडिया में, तो महाभारत में जब भगवद्गीता को डाल दिया तो वो सारे जनता जनार्दन के सामने, क्योंकि महाभारत सिर्फ पढ़ने का ग्रंथ नहीं, महाभारत परफॉर्म करने का, परफॉर्म में अनेकमेंट होती है। आज भी महाभारत वेद व्यास की लिखित तो एक है, पर हजार महाभारत की कथाएँ हैं। रामायण वाल्मीकि एक है, पर राम कथा हजारों हैं। और आप पूरा देश घूम जाइए, वो सारे मतलब परफॉर्म किए जाते हैं, उनके कथाएं हैं, गीत हैं, नाटक हैं, जो इनके ऊपर आधारित होते हैं। तो उसमें डाल देना
उससे उसको जनता जनार्दन में उसको ले आना। आपको हैरान होगा, ये भी आप बड़े होके कभी अनुभव करोगे कि हमारे देश का आम नागरिक, गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला भी इतना ज्ञानी होता है कि हम आप हिसाब नहीं लगा सकते। कभी आप उनसे प्रश्न करके पूछिए, जबकि उनको इन सब का महाभारत की कहानी का, रामायण पता है, पनवाड़ी जो है वो रामचरित मानस के आपको सुनाएगा, दोहे सुनाएगा, कबीर के दोहे सुनाएगा, सब ज्ञान यहाँ पे है लोगों के। क्योंकि ये ज्ञान हमारे यहाँ जो ज्ञान था वो इलिटिस्ट नहीं था, पढ़ने से नहीं आता था, पढ़ने से आता तो सिर्फ जो पढ़ सकते हैं उन्हीं के पास होता। हमारे यहाँ ओरल मौखिक परंपरा में कथा प्रवचन के द्वारा ज्ञान जो है बांटा गया। इसलिए आज भी आप सुबह जब चैनल खोलते हैं तो स्वामी अवधेशानंद जी को कभी सुन लीजिए, जूना अखाड़ा के अद्भुत ज्ञानी है। या मुरारी बापू राम कथा सुनाते हैं, इतने विवल हो जाते हैं कि खुद रोने लग जाते हैं, उसमें वो नानक की वाणी भी सुनाते हैं। तो ज्ञान हमारे यहाँ बांटा जाता है। हमारे यहाँ कॉपीराइट सिस्टम कभी नहीं रहा जो वेस्ट में है, कि ये कॉपीराइट है हमारा, क्योंकि यहाँ का कोई भी दार्शनिक कभी ये नहीं कहता कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सारे ओरिजिनल थिंकर ये कहते हैं कि मैं अपना कुछ नहीं कह रहा, मैं तो जो वो पूर्व आचार्य कह गए वही समझा रहा हूँ। और जबकि वो अपनी बात कहते हैं पर कभी नहीं वो कहते कि हम ओरिजिन। हमारे देश की परंपरा में, बौद्धिक परंपरा में, हम अपने पूर्वाचार्य को कभी गलत नहीं कहते। चाहे विचार बदल जाए, हमारा थिंकिंग बदल जाए, नया नए सत्य सामने आ जाए, हम सिर्फ ये कहते हैं उस वक्त सत्य ये था, उस वक्त उस आचार्य के समय। तो ये भगवद गीता तो एक टीचर का डिस्कोर्स है, लॉर्ड कृष्णा इज ए टीचर, वो टीचर है और वो टीचर की तरह उसको प्रश्न करता है, वो समझाते हैं। और ये संवाद है, संवाद ज्ञान का को, ज्ञान को बताने के लिए दो तरीके हैं। एक है कि मैं सीधा अपने एक फर्स्ट पर्सन में मैं कोई किताब लिख दूं और आप पढ़ लीजिए, मैं अपने विचार बता दूं। दूसरा है कि मैं संवाद रचूं जिसमें आप भी कैरेक्टर, आप मुझे प्रश्न करें मैं जवाब देता हूं, तो उसका निष्कर्ष जो निकलता है ज्ञान का वो साझा होता है। तो पढ़ जो सुनने वाले हैं वो ये, उनको ये लगता है कि ये तो हमने ही समझ बनाई है, हमें किसी ने बताया नहीं कि ये करो, हम खुद इस समझ पे पहुँचे हैं। तो इस संवाद रूप में टीचर होने के बाद उन्होंने समझाया, मैंने आपको बताई दिया जो मर्जी करो, तो वो फिर घोषणा, इसके बाद लड़ाई लड़ते हैं अर्जुन का नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। अर्जुन तैयार हो जाते हैं। अब अर्जुन का गंडीव धनुष बड़ा फेमस है, गंडीव। देखिए महाभारत और भगवद गीता में कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि महाभारत का हीरो जो अर्जुन है वो भगवद गीता में शिष्य है ना। महाभारत का जो सबसे बड़ा वॉरियर है वो शिष्य है भगवद गीता, उसको समझाया जा रहा है और युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। गंडीव धनुष, क्योंकि अभी आपको बताएंगे कि वो बाएं हाथ से उसको, जब वो निर्णय लेता है कि मुझे युद्ध करना है, तो अपने गंडीव धनुष को बाएं हाथ से उठा के खाली प्रत्यंचा खींच के छोड़ता है। उसका इतना नाद होता है कि 1000 सोल्जर गिर जाते हैं, इतनी जान के साथ वो लड़ता, सबसे है मारता सबको है, केवल भीष्म पितामह को नहीं मारता। अगली स्लाइड दिखाइए जरा। ऐसा है कि भीष्म पितामह वज लॉयन ऑफ मैन, जिस उम्र में, जिस आयु में उसकी शादी होने चाहिए थी, उसमें उसके पिता इससे भी कम उम्र की लड़की सत्यवती के साथ उनका प्रेम हो गया और उससे शादी करनी चाहिए शांतनु, जबकि देवव्रत इनका नाम था, देवव्रत की उम्र थी शादी। बुढ़े शांतनु का मन विचलित हो गया और दुखी रहने लग गया। क्यों? सत्यवती ने कहा कि मैं शादी आपसे करूंगी परंतु मेरी संतान राजा बनेगी। नियम ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल था, बड़े भाई का बेटा बेटे को राज मिलता है।
धृतराष्ट्र बड़ा भाई था पर उसको राज नहीं मिला क्योंकि उसको फिजिकल नहीं मिला, जिसकी फिजिकल इन्फर्मिटी होती है ब्राइन का उसको राज नहीं मिलता, अंग भंग जिसका है उसे राज नहीं मिलता। शांतनु के जो बड़े भाई थे देवापी वो भी राजा नहीं बने, उनको उनको लेप्रसी हो गई। देखिए बड़ा बीमार खानदान जिसका इतना एपिक हीरोज बीमार खानदान लेप्रसी हो गई, तो धृतराष्ट्र को नहीं मिला। छोटे भाई जिसको मिला उसको पीलिए का रोग था, परंतु पीलिए का रोग कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड नहीं था, ये इनफर्मिटी है। पांडु को राज मिल गया, पांडु जाके बद्रीनाथ जोशी मठ से ज्यादा बद्रीनाथ जाते हैं तो घाटी में जगह आती है पांडुकेश्वर, वहां जाके वो रहने लगे वायु के कारण साफ वायु, और वही उनके बेटे पैदा हो नियोग से, नियोग उस वक्त सिस्टम था वही बेटे पैदा हो। अब क्योंकि वो राजा तो एक्टिंग किंग बने धृतराष्ट्र, वो चले गए मेडिकल लीव पे मेडिकल लीव पे चले गए, तो दुर्योधन एक्टिंग किंग बन गए। अब देखिए प्रश्न क्या होता है कि दुर्योधन कहता है मेरा पिता बड़ा भाई है, उसका अंग भंग है, मैं बड़े भाई का बेटा हूं, मेरा तो अंग भंग नहीं, राज मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। अगर इस बात में कोई भी तर्क ना होता तो महाभारत की लड़ाई इतनी मीनिंगफुल ना होती जितनी हो गई। इसी तर्क के कारण दुर्योधन इतना इतना कन्विंस्ड था, उसने कहा मैं तो नहीं दूंगा, और आखिर तक लास्ट में जब दुर्योधन को अगेंस्ट लॉ के धर्म के विरुद्ध कृष्ण जी ने इशारा किया और भीम ने उनको नीचे थाई पे मारा उसको और वो गिर गया, तो भीम ने गुस्से में अपना पैर उसके सर पे रखा तो कृष्ण ने कहा नहीं 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 सर पे पैर मत रखो। तो दुर्योधन कहता है कृष्ण से कि क्यों धोखेबाजी करते हो, ये छोटी सी बात है, थोड़ी देर में मेरे प्राण निकल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है कि किसी का पैर मेरे सर पे क्या है, चील कौए खाएंगे मेरे शरीर को, पर तुम मैं राजा की तरह रहा, राजा की तरह लड़ा और मैं राजा की तरह जा रहा हूँ और मैं स्वर्ग में जाऊँगा, पर तुमने हमेशा अधर्म किया कृष्ण जी को, और तुम अपने वंश का बुरा हाल देखोगे, दुर्दशा देखोगे, तो तुम्हारा नाम सिर्फ इसलिए ही चलेगा कि तुमने ये सब कर। वो आदमी इतना कन्विंस था कि मैं ठीक हूँ। तो युद्ध हुआ, तो युद्ध में क्या हुआ कि ये अर्जुन भीष्म पितामह ज़्यादा लड़ाई नहीं करते थे, 50 मार दिए, 100 मार दिए, 150 मार दिए। तो दुर्योधन ने कहा कि भैया महाराज जब तक आप हैं सेनापति आप रहेंगे, किसी और को बना नहीं सकते, आप तो मारते नहीं, आपको तो पांडव बड़े पसंद है, ये पांडव बड़े पसंद है, तो हम क्या करें। तो कहते अच्छा कल देखना, तो 7वें 8वें दिन उन्होंने मारने शुरू किए, 2-2 लाख आदमी मारने शुरू किए। तब ये चिंता हो गई पांडवों को, उन्होंने कृष्ण जी से कहा जाकर इस अगर बाबा जी अगर इस तरह मारते रहे तो 5 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या कैसे मारे इनको, कहते वही बताएंगे हमें नहीं पता। तो शाम को सब गए भीष्म पितामह के पास। अब भीष्म पितामह के पास जाने लगे तो कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि हमारे टेंट के अंदर जाने से पहले तुम अपनी चूड़ियां खड़का के अंदर चले जाना। तो उसने चूड़ियां खड़काई तो कृष्ण भीष्म पितामह ने कहा सदा सुहागन रहो, उसे आशीर्वाद दी। अब ये आशीर्वाद दे दिया सदा सुहागन, पांडवों को तो मारेंगे। तो फिर पांडव बस गए, बोले महाराज बाबा जी आपको मारे कैसे, ऐसा प्रश्न है कि आपको मारे कैसे।
बोले देखो ऐसा है मैं औरतों पे हाथ नहीं था, तो इनको तो समझ नहीं आई बात की क्या मतलब कृष्ण जी का आया हुआ मैं बताता हूँ समझ गए। तो फिर शिखंडी जिसका सेक्स चेंज हुआ था शिखंडी पैदा हुई, तो पहली कहानी है जब विषम पितामा उनको लेके आई तो अम्बा अम्बिका मल्लिका तो उसको आगे करके। पर अर्जुन जब उन्होंने बहुत मारा तो कृष्ण अर्जुन को कहे ये मैंने रथ ले आया भीष्म के सामने मारो, वो नहीं मानता था नहीं मानता था। तो फिर भीष्म फिर कृष्ण जी ने कहा कि तुम तो नहीं मानोगे, तुम बाप भीष्म पिता अपने दादा पितामा को नहीं मानोगे, तो उन दोनों ने आपको पता है कसम खाई थी युद्ध से पहले मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अपनी व्रत तोड़ के उन्होंने भैया उठा के चक्र बना के भीष्म पितामा की तरफ बढ़े, भीष्म पितामा ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और हाथ जोड़ दिए, कहिए महाराज आप बड़े दयावान हैं क्योंकि मैंने ये व्रत लिया था कि मैं ऐसा योद्धा बनूं कि भगवान को मेरे सामने अस्त्र शस्त्र दिखाई दे। तो उसकी उसको पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र दिखाए। तो ये अर्जुन है इसमें वो पकड़ा हुआ है ब्लैक रोक रहा है। तो पितामा की डेथ 10वें दिन की 19 लाइन की कही भीष्म पितामा 10वें दिन भीष्म पितामा फैल और उनका कोई भी शरीर का अंग जमीन पे नहीं पड़ा, इतने एरोस क्योंकि तीर मारता था अर्जुन आगे था शिखंडी और भीष्म पितामा अपने रथवान को कहते थे कि ये जो तीर मेरे इतने अंदर घुस रहे हैं ये शिखंडी के तीर नहीं, ये शिखंडी के तीर। तो वो तीर अंदर से गिरे और वहाँ गिरे। अभी हम आपको यहाँ से थोड़ा चलिए को पूरा कर देते हैं, अभी पूछेंगे कि बस नेक्स्ट दिखाइए ये पिहोवा है ना आपका पिहोवा मिथुदार इसका नाम था पृथुदार राजा पृथ्वी की राजधानी पुराने काल में वहाँ पे पिंडदान वगैरह सारा हुआ जो जो सोल्जर मारे गए युद्ध में 39,36,000 लोग मारे गए ना। ये तो वो है ये तो फ्यूनरल फायर से जल रहे हैं। एक सीन है महाभारत के एंड में जो गंधारी देखती है मीलों मीलों में चिताई जाती है आप वो समय इमेजिन करिए जब मैंने आपको पहले कहा कि महाभारत काल के बाद वो जो वैदिक धर्म की धारा थी वो रुक गई, इतना दर्शन था चिताएं जल रही हैं। उसके बाद चलिए जब राज मिला युधिष्ठिर को तो नरसंहार जो हुआ उससे युधिष्ठिर ने कहा मैं तो राज नहीं करूँगा, क्योंकि युधिष्ठिर को युद्ध के बाद पता चला कि कर्ण उसका सहोदर भाई था, उसके उदर का भाई मतलब उसकी माँ का उसी की माँ का बेटा, तो उसने बड़ा विलाप किया बड़े भाई को मार डाला, ये उसका विलाप। बहुत समझाया लोगों ने, कुंती ने समझाया, सूर्य खुद आए समझाया कि इस ये विलाप के योग्य नहीं था। एक आयरनी की बात यह है अर्जुन जो युद्ध से पहले कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो इस मोमेंट में अपने बड़े भाई को कहता है भैया धर्म करने के लिए धन चाहिए और धन के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति के लिए युद्ध करना पड़ता है। तो युधिष्ठिर ने उसको कहा देख तू लठबाज आदमी है, तू लाठी लूठी दे के अपना काम कर, ये धर्म के मामलों में सलाह मत दे मुझे। आपको पता होगा गीता एक नहीं है 25 गीता है, 18 गीता महाभारत में ही और एक गीता है उत्तर गीता। लड़ाई के बाद अर्जुन फिर इस बात के बाद कृष्ण जी को जाके कहता है कि आपने मुझे बहुत समझाया था जरा दोबारा बताइए क्या था। तो कृष्ण जी कहते हैं वो तो मैं भी भूल गया, लाइक ए गुड टीचर कि वो तो मैं भी भूल गया पर मैं आपको तुम्हें थोड़ा बताता हूँ क्या। फिर वो समरी जो बताते हैं उसे उत्तर गीता कहते हैं, वो भी महाभारत में उत्तर गीता। तो नेक्स्ट बताइए एक चीज और इसमें है ये जो अच्छा उत्तर कहते नहीं आगे 36 साल बाद लड़ाई युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद
भगवान कृष्ण की डेथ हुई द्वारका, और भगवान कृष्ण की जानवर की डेथ हुई। ही वॉज शॉट बाई हंटर एज एन एनिमल। ये आपको बात बताए, एक बार बता रही थी कि जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण सीधे गंधारी के पास गए पहले, और रास्ते में दुर्वासा ने कहा कि आप, दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण रुक जाओ, तुम चाहते हैं नरसंहार रुक सकता था, तुमने नहीं रोका, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तो कृष्ण ने कहा श्राप मत दीजिए मुनि, मैं नहीं चाहता कि आपके श्राप का प्रतिकार हो। श्राप की परिभाषा डेफिनेशन है कि श्राप की काट नहीं होती। उन्होंने कहा मैं काट दूंगा आपका श्राप। तो वो चुप हो गए, गंधारी के पास गए, तो गंधारी की जो दिव्य दृष्टि थी हम पटी थी। उन्होंने कहा कृष्ण तुम आ गए, हाँ तुम चाहते तो मेरे 100 बेटे जिंदा होंगे, मैं तुम्हें श्राप देती। उन्होंने श्राप नहीं काटा था, तुम भी अपने वंश का नाश देखो। तो मुस्कुराने लगे, वो तो मुस्कुरा क्यों रहे, बोले माता उनका नाश तो मैंने वैसे ही करना था यादवों का, आपने मुझे कर्म दे दिया, आपके श्राप को पूरा करने के लिए नाश करूँ। वही कृष्ण बाद में जब वापस जाते हैं तो ये अलग बात है, कभी माउंट आबू जाओ तो जो आबू रोड है ना, आबू रोड में पहाड़ के अंदर एक बड़ा प्राचीन विष्णु मंदिर है, 7-8 हज़ार साल पुराना, आप देख सकते हैं, उसे धर्मस्थल कहते हैं। वहाँ पर रुके थे तो वहाँ पर एक ऋषि ने पूछा था कि तुमने ये नरसंहार रोका क्यों नहीं। तो इन्होंने कहा कि नरसंहार तो मैंने करवाया, क्योंकि धरती पे बहुत बोझ हो गया था पाप का। जिस व्यक्ति के पास 20 लठ वाले थे वो अपने को राजा मानने लग गया था, जनता में तरही तरही मची हुई थी, एक ही तरीका था, एक ही था मंत्र कि सबका नाश करो। तो ये तो मैंने युद्ध तो मैं नरसंहार तो मैंने करवाया, रोकने की बात ही नहीं। ये भागवत पुराण में ये नैरेटिव आता है। तो उनकी डेथ हुई, एक और ये जब फिर कृष्ण जी की डेथ हो गई तो अर्जुन लेडीज को लेके द्वारका से आ रहे थे। अर्जुन कृष्ण जी से थोड़े छोटे थे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त तक 80s में अबाउट 87-88-90 भगवान कृष्ण के 80s में ये थे। तो डाकुओं ने माँ वही आबू रोड के पास डाकुओं ने लूट लिए। अब जब डाकू आए तो वो अपना गंभीर धनुष दोनों हाथ से उठाने लगे, दोनों हाथ से धनुष नहीं उठा। जब महाभारत में एक बाएं हाथ में लेके टंगार, तभी लोग कहते हैं काल बड़ा बलवान है, वही अर्जुन वही गंडीव धनुष डाकुओं ने लूट लिया। और देन बाद में राज करने के बाद लास्ट सर सारे पांडव स्वर्गारोहण राजपाट छोड़ के स्वर्गारोहण पीक है हिमालय में, हिमालय आप कभी जाए तो वह स्वर्गारोहण पीक है। देखिए युद्ध यहाँ हुआ, भगवत गीता ज्योतिसर में हुई, सिरसा में भगवान पितामह गिरे, गांव है जहाँ चक्रव्यूह बना, सर्गथल गांव है, जो नाम है अर्जुन भीम लोग आज भी रखते हैं, जो रेसेस हैं वो आज भी हैं, जो वैल्यूज हैं जिनके लिए युद्ध हुआ वो आज भी हैं। फिर भी पश्चिम वाले लोग कहते हैं कि ये ऐतिहासिक घटना है कि कहानी है, इतनी बड़ी मनगढ़ंत कहानी कि हमने गाँव भी बसा दिए उसमें। तो ये आपको समझना चाहिए कि उनको जलन होती है कि 5000 साल पुरानी घटनाएं एक जाति ने कैसे संभाल के रखी और उसका एक नैरेटिव बनाया और उससे जीवन के जीवन का सार निकाला जो है भगवद गीता। मैं आपको थोड़ी डेट्स के बारे में भी दिखा देता हूँ, इसको छोड़ दीजिए, वो जो दूसरा है ना 9th slide. कुछ एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस इंडिया के वो वेदों रामायण और महाभारत की डेटिंग करते हैं एस्ट्रोनॉमिकली, क्योंकि महाभारत के अंदर आकाश की पूरी स्थिति वर्णित है जगह जगह कई मौकों पर। कि जैसे महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो नव जो ग्रह थे जो स्टार्स थे उनकी पोजीशन स्काई की क्या थी, ये पूरी महाभारत में वर्णित है। अब ये सोचिए कि इतने साल पहले भारत में इतना ज्ञान था, इतनी बड़ी बड़ी आजकल टेलीस्कोप बना के जॉड्रेल बैंक भी लोग सितारे और ग्रह देखते हैं,
नेकेड आई से लोग देखते थे और नेकेड आई से और मैथमेटिक्स मतलब ज्योतिष जिसका नाम है वेदांत का, ज्योतिष का मतलब है मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज फलित ज्योतिष अप्लाइड अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी। तो ये था, ये लड़ाई शुरू हुई क्या लिखा है 13 अक्टूबर 3139 BC 13 अक्टूबर 3139 BC को शुरू हुई। और वो जानते हैं वो तिथि क्या थी, जब आखिरी बार भगवान कृष्ण कौरवों को समझा के कि युद्ध ना करो और उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, तो जब हस्तिनापुर से निकले वो तिथि पता क्या थी, 4 अक्टूबर आज की तिथि। तो आज के दिन 3139 BC में 4 अक्टूबर भगवान कृष्ण की फाइनल एफर्ट के जब वो जाने लगते हैं ना मनाने, तो द्रौपदी बाहर खड़ी होती है जहाँ वो पांडवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। जब ये फैसला होता है कि कृष्ण जाएंगे, वो निकलते हैं, तो द्रौपदी अपने बाल आगे कर लेती है, कहती है केशव जब शांति की बात करो तो ये केश ना भूलना, ये केशव केश, क्योंकि दुशासन ने उसके बाल पकड़े थे, कहती ये ना भूलना शांति की बात करो। अब जब हमारी कौम कमजोर हो गई फिट गई, फिर हमारे कुछ नेता हमें जिस कहते हैं लोग आज़ादी कहते हैं और पंजाब में जिसको बंटवारा कहते हैं, उसके बाद ऐसे नेता आए जिन्होंने हमको और भी मतलब कावर्ड्स बना दिया। हम लोग शांति 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 की बात करते हैं, दुनिया में और कोई नहीं करता, वो हमें पाठ पढ़ाते रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा पाठ पढ़ाता है वो सबसे ज़्यादा देशों में घुस के लोगों को मारता है। हम शांति, हम ही कहते हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली है और तो कोई नहीं कहता, हम ही कहते हैं सत्यमेव जयते कि ट्रूथ विल प्रिवेल। हमने तो कभी ट्रूथ को प्रिवेल होते देखा नहीं, हमेशा ट्रूथ के लिए लड़ना पड़ता है, कभी ट्रूथ प्रिवेल नहीं करता। और सुखिना भवंती, सारी दुनिया सुखी रहे, पर खुद तो सुखी हो जाओ आपस में, अपना पहले चिंता करो। तो जो माना के हिंदू चरित्र 11वीं शताब्दी के बाद बदल गया, डरपोक हो गया, तो थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है, जो डरपोक हो गया, इसीलिए हम लोग गुलाम बन गए। अथर्ववेद में लिखा है पृथ्वी सूक्त में कि वो मदर अर्थ डिस्ट्रॉय दोज हु वांट टू सबड्यू माय राष्ट्र बाय शस्त्र और शास्त्र। जो शस्त्र वेपन शास्त्र ज्ञान से मेरे राष्ट्र को पराधीन बनाना चाहते हैं उनको नष्ट कर, ये अथर्ववेद में। पर 11वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते 20वीं शताब्दी में हमारा देश शस्त्र और शास्त्र दोनों से पराधीन हो गया, हम अपना शास्त्र भी भूल गए और शस्त्र उठाना भी, शास्त्र जो शास्त्र धर्म है वो भी भूल गए। तो महाभारत में लोग कहते हैं भगवद्गीता के बाद वेंडी डोनिगर अमेरिकन प्रोफेसर है वो कहती है कृष्ण वाज ए वार मॉन्गर, कि भगवान कृष्ण तो वार मॉन्गर थे। अब वो मूर्ख है, थोड़ा ज्ञान है सीमित उनको, वार मॉन्गर। अगर भगवद्गीता में 10 बार शांति शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण करते हैं 10 बार और आखिरी बार भी वो शांति का संदेश लेके जाते हैं। अगर एक आदमी कहे कि देखो राज मेरा है मुझे दे दो, क्या नहीं देंगे, दिया भी तो जुए में वापस ले लिया छल से, फिर कहा अच्छा आधा दे दीजिए हम भाई हैं नहीं देंगे, 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव कौन से, सोनीपत करनाल ये बागपत इंद्रप्रस्थ और पर्णप्रस्थ पानीपत, पानीपत पर्णप्रस्थ सोनीपत स्वर्णप्रस्थ बागपत व्याघ्रप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ, ये 5 गांव ये आपके इलाके के ही है ना, ये मांगे उन्होंने कि हमें 5 गांव दे दीजिए। कहते हैं सुई के नक्के जितनी जमीन नहीं दूंगा मैं तुम्हें, तो फिर क्या होगा, युद्ध होगा।
युद्ध इसलिए नहीं होगा कि पांडवों को राज चाहिए। पांडवों को राज चाहिए होता तो वो जुए में हारने के बाद कौरव सभा को पलट के राज ले लेते। शक्ति थी उनमें, कृष्ण उनके मित्र थे। दुर्योधन जब विलाप करता है वो कहता है कि जब मैंने संजय जब मैंने सुना कि कृष्ण उनके साथ है तब मैं समझ गया कि मेरे बेटे तो युद्ध हारेंगे, उनका तो नाश हो गई। तो नहीं किया उनको राज चाहिए, युद्ध इसलिए नहीं हुआ। युद्ध हुआ धर्म के लिए, पाप के नाश के लिए। क्योंकि जो जो व्यक्ति आप अगर धृतराष्ट्र का प्रॉपर इमेज देख के वो कैसे व्यक्ति थे तो आपको गीता से इमीडिएटली पहले महाभारत में जो उनकी कृष्ण जी के साथ बहस है धृतराष्ट्र की वो देखिए। तो हठधर्मी जिनका जिनकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है। विवेक बुद्धि होती है कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको नष्ट वो नष्ट हो गई। तब जाके तब उस व्यक्ति के साथ युद्ध करना पड़ा। तो युद्ध करने के लिए भी ये लोग कहते कि देखिए जो दुर्योधन का भी चार्ज है कि भाई भगवान कृष्ण उल्टी उल्टी बातें बताते हैं, उल्टी बातें नहीं बताते हैं। कर्ण जब कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है तो कर्ण कहता है कि धर्म के नाम पे, तो कृष्ण कहते हैं उसे उस वक्त धर्म कहाँ था जब द्रौपदी का चीर हट हो रहा था, तब तुमने कुछ नहीं किया, अब तुम्हारी अपने पे आन पड़ी है तो तुम्हें धर्म का ध्यान आ रहा है, उस वक्त धर्म का क्या था। तो धर्म की व्याख्या बड़ी कठिन है। भगवद गीता का एक शब्द में जो सार है वो है धर्म, धर्म क्या है, और पूरा महाभारत पढ़ लीजिए, धर्म क्या है वो समझ में कम ही आता है। जैसे मैंने कहा कि पाप की परिभाषा नहीं है, धर्म की भी परिभाषा बड़ी कठिन है, पर हम अपने अंदर हर वक्त धर्म क्या है अधर्म क्या है हमें ज्ञान रहता है अंदर अपने। वो तैतरीय उपनिषद में दो लाइनें हैं ना, एक पेड़ की शाखा पे दो परिंदे बैठे हैं, एक परिंदा खा रहा है बेर और दूसरा उसको देख रहा है। तो हम सारे वो परिंदा हैं, एक हमारा भोगता है, हम जो करते हैं खाते हैं पीते हैं रहते हैं बोलते हैं, और हमारे अंदर एक साक्षी जो देखता है। हम दूसरों को मूर्ख बना लें अपने आप को मूर्ख नहीं बना पाते। तो ये 13 अक्टूबर को शुरू हुई, 4 अक्टूबर को फैसला हुआ, 10 दिन बाद लड़ाई होगी। नेक्स्ट दिखाइए जब 23 22 नहीं है ये 31 जिस दिन ख़त्म हुई लड़ाई, 31 अक्टूबर को 18 दिन बाद लड़ाई ख़त्म, 31 अक्टूबर उस दिन नहीं या बहुत आगे चले गए आप, पहले आना पड़ेगा स्लाइड 10 या 11 में। एनीवे 31 अक्टूबर को रहने दीजिए, 31 अक्टूबर को लड़ाई ख़त्म हुई, 14 नवंबर को दुर्योधन की मृत्यु हुई, और 19 दिसंबर देखिए भीष्म पितामह गिरे 22 अक्टूबर को 10वें दिन लड़ाई हुई, पर उन्होंने प्राण नहीं त्यागे क्योंकि दक्षिणायन था, समर सोल्स्टिस में था सूर्य का मूवमेंट, वो कह उत्तरायण में प्राण त्यागूंगा। भगवद्गीता में लिखा कि उत्तरायण के समय जब प्राण त्यागते हैं तो वो जो आत्मा है वो आत्मा साधु ऋषियों के घर जाती है। उत्तरायण में जो प्राण त्यागना अच्छा माना जाता है। अब जिनमें योगिक शक्ति थी भीष्म पितामह के तो हाथ में थी ना, तो उन्होंने कहा उत्तरायण में प्राण त्यागूंगा। अक्टूबर 22 से लेके 19 दिसंबर तक वो उन एरोस की शैया में था, ऐसा दुख दरहा होगा जो भी आता हो। तो आई मेक अप टू दी 5 मिनट लूंगा एंड कंक्लूड। जो वो भौतिक धर्म आया उसका जवाब क्या, जो महाभारत काल के बाद जो पूरी वैदिक धर्म में निराशा हो गई उसके उत्तर में जो भागवत धर्म आया, जो भगवत गीता के ग्रंथ में जो सारी धाराओं को समन्वय करके उन्होंने भगवत गीता में उसका एक 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 ही सूत्र बनाया।
मैं सूत्र पहले बता देता हूँ, समझने समझाने के लिए तो बहुत टाइम पर चाहिए। शंकराचार्य जी ने उसका निष्कर्ष निकाला भगवद्गीता का कि ज्ञान सम्यक ज्ञान, जब आपके पास ज्ञान ठीक होता है तो आप निष्काम कर्म करते हैं। ज्ञान ठीक ज्ञान, ठीक ज्ञान क्या है? ठीक ज्ञान ये है कि मेरे में और दूसरों में भेद नहीं है, दूसरों में और मेरे में भेद नहीं है, दूसरे का दुख भी मेरा दुख है, ये ज्ञान है। तो आप जो भी काम करते हैं दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, लोक संग्रह के लिए। वो जो निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करने से हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, चित्त की शुद्धि हो जाती है। ज्ञान सम्यक ज्ञान, मेरे में और तुम्हारे में भेद नहीं है दूसरे में, और भेद नहीं है इस ज्ञान से जो मैं कर्म करता हूँ वो कर्म जो है वो निष्काम कर्म कहलाता है, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए। क्योंकि हम दूसरों के हित के लिए काम करते हैं तो वो जो काम कर्म है वो हमें बांधता नहीं है, उसका फल हमें को नहीं जकड़ता, क्योंकि हम वो दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं, और उसके कारण हमारा चित्त जो है निर्मल हो जाता है। जब हम अपने लिए ही कर्म करते हैं, अपने सुख के लिए, तो हमारे चित्त के ऊपर जो आघात लगता है, आघात लगता है, वो चित्त को आहित करता है। फिर आपको योग दर्शन के अनुसार से चित्त वृत्ति निरोध करना पड़ेगा, तो चित्त की शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से हमारा जो विवेक है, अविवेक बड़ा सुंदर शब्द है, और इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट, कर्तव्य कर्तव्य, राइट और रॉन्ग, ठीक और गलत में भेद करने की शक्ति। मोर से मैं बताया करता हूँ मजाक में कि जितने मूर्ख लड़के हैं माँ बाप उसका नाम विवेक रख देते हैं। अब विवेक का मतलब तो ये है कि उसे ठीक और गलत का भेद पता है, कर्तव्य कर्तव्य, तो हमारे में विवेक डेवलप होता है, फिर हम गलत क्या है ठीक क्या है जानते हैं। और कठोपनिषद के अनुसार कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं, हर वक्त हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं। जो व्यक्ति चाहिए को चुनते हैं उनमें विवेक बुद्धि है कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये धर्म है। धर्म वो है जो कि करना चाहिए चाहिए, और उसमें जो दूसरों का हित है वो आता है। गीता के अंदर है लाइन कि सबको अपने में देखना, अपने को सब में देखना। और शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि ब्रह्मात्म एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति ना अन्यथा। जब आप सबको अपने एक अपनी ही तरह, आप में और सब में भेद नहीं रहता, तब आपका मोक्ष होता है, और कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। तो ये फिर सुनिए, ज्ञान ज्ञान है अभेद का, भेद का नहीं, अभेद का। अभेद के ज्ञान से जो हम कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म होता है, निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि से हमारी विवेक बुद्धि बनती है, और विवेक बुद्धि में वैराग्य आता है कि बहुत मेहनत करके धन दौलत इकट्ठा करना और बाकी चीज़ों का कीमत ना रखना, ये विवेक बुद्धि हमें सिखाती है। वैराग्य विरक्त भाव, ईशा उपनिषद की पहली लाइन है त्यक्त तेन भुज्यता, खाओ भोगो पर त्याग के भाव से, त्याग के भाव से, छोड़ने के भाव से। तो वो विवेक बुद्धि से वैराग्य आता है, और वैराग्य से फिर मोक्ष। अब मोक्ष क्या है, मैंने शुरू किया था खत्म नहीं किया, मोक्ष सिर्फ है दुख निवृत्ति, तीन प्रकार के दुखों से छुटकारा, ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब अब ये जो हमारे आचार्यों की परंपरा है वो कहते हैं कि आपकी आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, एक कहता है, दूसरा कहता है ये क्या स्वतंत्रता हुई आत्मा की कि ब्रह्म में विलीन हो गया। रामानंद आचार्य, आत्मा अपनी जगह, ब्रह्म अपनी जगह। कोई कहता है कि हैं तो एक ही पर उनकी अपनी अपनी सत्ता भी है,
जीव जो है वो भी एक, ये कोई कहता है ये जगत जो है ये तो मिथ्या बनाया हुआ है, ये रचा हुआ है, हमने रचा है। कोई कहता है ये जगत तो सिद्ध है, सिद्ध है, सत्य है। तो अलग अलग धाराएं हैं चिंतन की, अलग अलग धाराएं हैं, और मोक्ष पाने के लिए बड़े बड़े साधन हैं। पर ये जो गीता में जो साधन है ये बड़ा सरल है। गीता ने सारे को करके एक बड़ा सुगीता सरल तरीके से कहा कि अपने दूसरे का भेद मत करो, जो करो दूसरों के हित के लिए करो, तो आपका चित्त जो है वो निर्मल हो जाएगा, आप हमेशा शांत रहेंगे, और निर्मल चित्त से आप में विवेक बुद्धि पैदा हो, फिर आपको ये संसार की वस्तुएं इतना लिप्त नहीं करेंगे। जरूरत के लिए चीजें चाहिए पर लिप्त नहीं होते उससे। तो वैराग्य विरक्ति का मतलब है कि ठीक है उदासीन भाव होना चाहिए और उसमें लिप्त नहीं, उससे फिर हम दुखों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि हमें आजकल सिर्फ अपना दुख दिखता है, पर जब विवेक बुद्धि आती है तो दूसरों के दुख भी अपनी तरह दिखते हैं, और सबको नानक दुखिया सब संसार, जब सारे संसार को दुखी मानते हैं, दुख है उसको देखते हैं तो हम अपना दुख नहीं कर गिरते। तो ये मोक्ष, मोक्ष अल्टीमेटली इसी जीवन में, इसी जीवन में दुख से, दुख से निवृत्ति पाना। अब गीता में बहुत कुछ है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति का मार्ग क्या है। आप थक गए होंगे तो बेटा दो मिनट और एक ले लेता हूँ मैं, फिर बात करूँ कि धर्म क्या है। धर्म है ना मार्ग, धर्म किस में है? एक एक उत्तर है कि धर्म ज्ञान में, ज्ञान में धर्म है। उपनिषद जो थे उसमें यही था कि ज्ञान में धर्म है। तो उपनिषद की जो कथाएं हैं उनके जो प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं, नचिकेता, वो सारे ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, सच क्या है, मूल प्रश्न ज्ञान के। तो धर्म ज्ञान में है, पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि धर्म कर्म में, ज्ञान में नहीं, और कर्म भी दूसरों के हित में। इनफैक्ट निष्काम कर्म का बीज महात्मा बुद्ध की टीचिंग है कि कर्म कर्म में ज्ञान है। अब दो रास्ते बन गए, वैष्णव रास्ता ज्ञान का और बौद्ध रास्ता कर्म का, और लोगों का चित्त जो है वो बट गया। तब भगवद्गीता, भगवद्गीता ने मतलब तब पौराणिक धर्म भक्ति के, भक्ति जो है यदि दोनों दोनों बौद्धिक हैं, ज्ञान और कर्म, कौन सा कर्म, ये बौद्धिक है, इनको समझना पड़ता है, पर भक्ति आंखें बंद करके भगवान की भक्ति करना ये सुगम रास्ता है। तब भक्ति का रास्ता है कि भक्ति से मोक्ष मिलता है, भगवान ध्यान करता है। पर अब तीन रास्ते हो गए, ज्ञान कर्म भक्ति बट गए। तो भगवद्गीता में निष्कर्ष निकाला गया, आदि शंकराचार्य जी ने इस पे जो टीका लिखी दूसरे अध्याय में, वो कहते हैं ज्ञान युक्त कर्म ही भक्ति है, ज्ञान युक्त कर्म ही भक्ति है। भक्ति क्या है? जो काम आप सोच समझ के ज्ञान से करते हैं, और जिसमें विवेक है, जिसमें वैराग्य है, वो जो कर्म है वो भक्ति है। क्योंकि भक्ति आप जब भगवान की करते हो तो आप अपने आप को सरेंडर करते हो, नवदा भक्ति होती है, नौ प्रकार अपने आप को सरेंडर करते हो। अहम आपका खत्म हो जाता है, अहम का खत्म होना जरूरी है, नहीं तो आप ना तो दूसरे के दुख को समझेंगे ना उसके लिए काम करेंगे। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रंथ है। मुझे बड़ी परेशानी हुई जब मुझे भाई साहब ने कि तू पता चला कि भगवद्गीता में बोलना है। कई बार बोल चुका हूँ, सितंबर अक्टूबर में लंदन में भी बोला था, पर लंदन में आसानी ये थी कि अंग्रेज लोग उनको पता ही नहीं क्या भगवद्गीता, हम चाहे बंदर की कहानी सुना दें उनको वो भी भगवद्गीता लगी, तो हमें वहाँ कष्ट नहीं हुआ। पर यहाँ ये सारा जो मैंने बातें कही है ना, ये सब आपके अंदर है, क्योंकि ये हवा पानी से आती है, इनको थोड़ी हवा देने की ज़रूरत होती है, और आपको ये बातें समझ नहीं आती, आप इन बातों को पहचानते हो, पहचान लेते हो, क्योंकि आपके अंदर है कि हाँ ये ठीक है, ऐसे ही होता है। तो वो जो पहचान बनाना,
पहचान बनाने के लिए टीचर चाहिए। तो कृष्ण जी भी अर्जुन को पहचान ही बना रहे थे। धन्यवाद, बहुत कृष्ण जी।